गेंदबाज अजीत अगरकर टीम इंडिया के नए चीफ सेलेक्टर बन गए हैं। अजीत अगरकर वेस्ट इंडीज दौरे के लिए T20 टीम का चयन करने के लिए चयन समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस समय नए नवेले चीफ सेलेक्टर बने अगरकर के ऊपर कई तरह की जिम्मेदारी होंगी। हालांकि इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ICC वर्ल्ड कप 2023 में सही टीम का चयन करना। फिलहाल अगरकर के सामने ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही भारतीय क्रिकेट टीम के लिए मजबूत बेंच स्ट्रेंथ बनाने की कठिन चुनौती होगी। इस पद के लिए अजीत अगरकर का नाम चीफ सिलेक्टर की रेस में सबसे आगे चल रहा था। फिलहाल अगरकर को एक नई जिम्मेदारी मिली है जो कि है बड़े पद पर टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए चयन करना। अगरकर को भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार को सीनियर पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था। क्रिकेट सलाहकार समिति ने अगरकर के नाम की सिफारिश की और उसके बाद BCCI ने इस पर फैसला ले लिया। अब चीफ सिलेक्टर बनने के बाद टीम इंडिया के सिक्सर किंग के नाम से मशहूर युवराज सिंह ने अजीत अगरकर के बारे में रिएक्ट किया है और साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात भी कही है। अजीत अगरकर को नई जिम्मेदारी मिलने पर युवराज सिंह काफी खुश नजर आए और उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया। युवराज सिंह ने ट्विटर पर लिखा, अगरकर चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नई जिम्मेदारी के लिए आपको बधाई। मुझे भरोसा है कि आप भारतीय क्रिकेट के भविष्य को आकार देने में प्रभावशाली भूमिका निभाएंगे। गुड लक बड़ी। आपको बता दें कि युवराज सिंह और अजीत अगरकर दोनों टीम इंडिया के लिए काफी लंबे समय तक एक साथ खेल चुके हैं। बात अगर अजीत अगरकर की करें तो अगरकर टीम इंडिया के लिए साल 1998 से लेकर 2007 तक और वहीं युवराज सिंह 2000 से लेकर 2007 तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं। ये दोनों खिलाड़ी 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं और दोनों खिलाड़ियों ने उस समय T20 विश्व कप जीतने में अहम भूमिका भी निभाई थी। अजीत अगरकर ने भारत के लिए 26 टेस्ट और साथ ही 191 वनडे 4 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इस समय अजीत अगरकर लंदन में अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिता रहे हैं। टीम इंडिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को लंदन में अगरकर और युवराज सिंह के परिवार के साथ देखा गया है। सचिन तेंदुलकर ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो भी पोस्ट की है। इस पोस्ट में सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह और अजीत अगरकर और साथ में उनकी पत्नियां भी नजर आ रही हैं। ये खिलाड़ी लंदन में लंच के मौके पर इकट्ठा हुए थे। सचिन ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है कि दो चीजें हमें करीब लाती हैं, दोस्ती और खाना। शानदार लंच के लिए हमारी मुलाकात हुई है। खैर, आप भी इस पर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ नेशन पर।